अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नी जज़ैतुहुमुल यौमा बिमा सबरू अन्नहुम हुमुल फाइज़ून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि मैंने सूरह मोमिनून जो कुरान मजीद का 23 नंबर का सूरह है उसकी आयत नंबर 111 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, जिसका तर्जुमा यह है कि आज मैंने उनके सब्र का उन्हें यह बदला दिया कि वही लोग कामयाब हैं। यानी तुम्हारे मजाक उड़ाने पर उन लोगों ने जिस सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया था उसका आज उन्हें सिला मिल रहा है और वो हकीकी कामयाबी पर फाइज हो गए हैं। अल-यौम से मुराद यौम आखिरत है और अन्नहुम हुमुल फाइजून से ये इंदिया मिलता है कि सिर्फ यही लोग कामयाब हैं, यानी आखिरत के दिन सिर्फ मोमिन ही कामयाब होंगे। आयत इलाही की तंजीब तमाम जराइम की जड़ है। जो दुनिया में कलाम खुदा की तकज़ीब करते रहे हैं उन्हें कल अल्लाह से कलाम करने की इजाज़त ना होगी। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अक़ल अल्लाह के लश्कर की साथी है, ख्वाहिशात शैतान के लश्कर की कायद, जबकि नफ्स उन दोनों के दरमियान खींचतानी का शिकार है। जो गालिब आ जाता है नफ्स उसके दायरे इख्तियार में चला जाता है। मौला अली अलैहिस्सलाम मज़ीद फरमाते हैं अक़्ल और शहवत दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। अक़ल की तायद इल्म करता है जबकि शहवत को ख्वाहिशात मुज़य्यन करती हैं, और नफ्स उन दोनों की कशमकश का शिकार है। बस जो उस पर गालिब आ जाए वो उसी की तरफ हो जाता है। करामत शहीद की सिफत के बारे में सूरह मुबारक यासीन की आयत नंबर 26 और 27 में इरशाद होता है क़ाल या लैत क़ौमी यालमून बिमा गफ़र ली रब्बी व जअलनी मिनल मुकर्रमीन। उसने कहा है काश मेरी कौम ये जान लेती कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और हमें करीम और बाइज़्ज़त लोगों में करार दिया है। करामत औलाद आदम की सिफत है। सूरह मुबारक असरा की आयत नंबर 70 में इरशाद होता है वलक़द करमना बनी आदमा व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर। हमने औलाद आदम अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त बख्शी और उन्हें खुशकी और दरियाओं में सवारियों पर उठाया। तक़वा इंसान की करामत का वसीला है। सूरह मुबारक हुजरात की आयत नंबर 13 में इरशाद इलाही होता है कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। बेशक अल्लाह के नज़दीक वही शख्स मोहतरम है जो तुम में सबसे ज़्यादा साहिब तक़वा हो। दुनिया की नेमत करामत नहीं है। सूरह फजर की आयात 15 से 17 में इरशाद इलाही है फ़मल इंसानो इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु व अकरमहु व नअमहु व यक़ूलु रब्बी अकरमी व यक़ूलु रब्बी अकरमनी। और उसके बाद कल्ला यहाँ मैंने कुछ छोड़ दिया है जिसका तर्जुमा सिर्फ पेश कर रहा हूँ कि लेकिन इंसान का हाल यह है कि जब खुदा ने उसको आज़माया और इज़्ज़त व नेमत दी तो कहने लगा मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त दी, लेकिन जब आज़माइश के लिए रोज़ी को तंग कर दिया तो कहने लगा मेरे रब ने मेरी तौहीन की है। सूरह असरा की आयत नंबर 23 में इरशाद होता है वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अपने माँ बाप से संजीदगी और एहतराम के साथ गुफ्तगू करो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।